तो चलिए अब हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करते ही यहाँ से पैटर्न मांगा जा रहा है। क्या आप भी अपने प्ले स्टोर में लॉक लगाना चाहते हैं ताकि आपके बिना परमिशन के कोई भी आपके प्ले स्टोर को न यूज कर सके, यानी आपके प्ले स्टोर से किसी भी तरह के गेम और ऐप को न डाउनलोड कर सके? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूँ। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप अच्छा से समझ सके। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्ले स्टोर में लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। आपको बता दें, मेरा मोबाइल IMI का है, इसलिए ये ऐप लॉक का ऑप्शन सिंपल सर्च में मिल गया। हो सकता है आपका मोबाइल किसी दूसरे कंपनी का हो, इसलिए आपको ये ऐप लॉक का ऑप्शन कहीं और देखने को मिले। आपको सेटिंग्स में ऐप लॉक के ऑप्शन को खोज लेना है। उसके बाद आपको इस ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करते ही आपको यहाँ से टर्न ऑन पर क्लिक करना है। टर्न ऑन पर क्लिक करते ही यहां से आपको अपना पैटर्न सेट करना होगा। आप यहां से जो भी अपने प्ले स्टोर का लॉक रखना चाहते हैं, आपको यहां पर उस पैटर्न को डालना है। तो चलिए यहां से हम अपने पैटर्न को डाल देते हैं। पैटर्न को डालने के बाद फिर से आपको सेम पैटर्न को डालना है। दो बार सेम पैटर्न को डालने के बाद आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन सिलेक्ट मिलेगा। आपको यहाँ से इन सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट कर देना है, यानी टिक को हटा देना है। अगर आप इस एप्लीकेशन में से किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट रखते हैं तो आपके उस एप्लीकेशन में ये पैटर्न लॉक सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस यूज ऐप लॉक पर क्लिक करना है। यूज ऐप लॉक पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल का सारा एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें से गूगल प्ले स्टोर को खोज लेना है। गूगल प्ले स्टोर को खोजने के बाद आपको सिंपल उसके आगे एक स्विच का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इसको स्विच कर देना है। स्विच करते ही आपके प्ले स्टोर में लॉक सेट हो जाएगा।